समुदाय तक भी जाते हैं, दरमियान में कम से कम 50 देश में जाया करते थे। उस दौर में अगर आप जाते तो उतने देश भरे हुए थे, मालूम होता है कि क्या क्या करते थे। छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन को बिखरा कर वहां वहां राजा बन जाते, कोई बड़ा राजा होता, कई छोटे छोटे राजा भी रहा करते थे। बस इस तरह से बड़े राजा कुछ रहा करते, छोटे राजा भी हजारों की तादाद में हुआ करते। इस तरह टुकड़ों में बटा हुआ मुल्क किस तरह बड़ा हिंदुस्तान बन सका? चेरा चोला वगैरह का एक बेल्ट कैसे बना? ये पूरा तमिलनाडु कैसे एक बेल्ट हो सका? तमिलनाडु और आंध्रा मिलकर कैसे एक बेल्ट में समाया? और फिर कर्नाटका को मिलाकर कैसे एक हिंदुस्तान बन सका? और फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सब कैसे एक देश की शक्ल इख्तियार किया? अगर देखें, मुसलमान बादशाह सल्तनत पर काबिज होने के बाद ही टुकड़े टुकड़े होकर ये जो देश बिखरा हुआ था, इन हुक्मरानों को धमका कर, क्या ये टुकड़ा भी कोई देश है? क्या एक जिला एक देश है? एक तालुका एक देश है? छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों को देश का नाम देकर धोखा दे रहे हो। इस तरह उन्हें डरा धमका कर उन्होंने एक देश की शक्ल दी। मुसलमान अगर इस देश पर हुकूमत न किया करते, इस तरह सल्तनत को वसी बेल्ट में बदला ना होता, आज हिंदुस्तान का वजूद ही ना रहा होता। हिंदुस्तान का तस्वर भी कोई कभी ना कर सकता। तमिलनाडु के अंदर कई कई देश होते और वहां एक एक राजा रहा होता, वही हुआ होता। मगर ऐसा ना होने देकर उसे बनाने वाले कौन थे? मुसलमान इस देश पर हुकूमत करने से पहले हिंदुस्तान कहां था, पढ़कर बताइए। मुसलमानों की सल्तनत कायम होने से पहले क्या हिंदुस्तान का कोई निजाम भी था? हरगिज नहीं था। अब बताइए कि हिंदुस्तान का कमोबेश इसी फीसद जमीनी हिस्सों को हमने ही इकट्ठा किया है। जब हमारे आबाओ अजदाद को हुकूमत करने का मौका आया तो मुतहद्दिस बनाकर छोटे छोटे इलाकों पर काबिज होकर जमा करते हुए एक देश की शक्ल में पेश किया। उसके बाद अंग्रेजों ने यह सब छीन लिया हम ही से। अंग्रेज जब हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगे तो उन्होंने छूटे हुए बाद इलाकों को, कोई 15% हिस्सों को उन्होंने शामिल करके हिंदुस्तान को और बड़ा किया। हमने अगर उसी फीसद हिस्सों को मुतहद्दिद किया था तो अंग्रेजों ने 15% इलाकों को एक करके हिंदुस्तान की शक्ल दी। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में क्या होता है, कोई 5% इलाकों को मिलाकर जो अलग अलग सूबों के नाम से थे, उन्हें पैसे देकर, कीमत लगाकर, उम्र भर के लिए वजीफा देने का वादा करके, राजाओं के खानदान वालों को रियायतों से नवाज कर, हमेशा के लिए महाना तनख्वाहें मुकर्रर करके, इस तरह का लालच देकर एक छोटे से हिस्से को एक कर लिया 5%। आजाद हिंदुस्तान में शामिल किए गए इलाके जो थे 5%, जैसे हैदराबाद वगैरह की तरह के चंद सूबे, इन सूबों के हुक्मरानों को माकूल वजीफे देकर हिंदुस्तान में शामिल कर लिया गया। पता चला कि आजाद हिंदुस्तान में 5% हिस्सा, हमने अपनी कोशिशों से 80% हिस्सा और अंग्रेजों की कोशिशों से 15% हिस्सों को मिलाकर ही ये हिंदुस्तान बन सका। और वजाहत में जाएं तो हमारे बाप दादाओं के दौर में जो हिंदुस्तान था, इस हिंदुस्तान में पाकिस्तान भी रहा है, उस हिंदुस्तान में बांग्लादेश भी रहा है। उन्होंने उनको माइनस करके ही दीगर सूबों को जोड़ा है। उन्होंने कुछ जोड़ा ही है बल्कि अगले सूबों को बचा भी नहीं पाए हैं। अब बताइए, जब मुसलमान बादशाहों की सल्तनत थी, कोई पाकिस्तान भी था? पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही में था। मुसलमानों के दौर हुकूमत में क्या बांग्लादेश था? वो भी हिंदुस्तान ही कहलाता था। मालूम हुआ कि जब हमने हिंदुस्तान को बनाया था, मुसलमानों ने जिस हिंदुस्तान को तैयार किया था वो अब के हिंदुस्तान से बड़ा था। इतने बड़े हिंदुस्तान को अगर मुसलमान इस मुल्क में ना आए होते तो क्या ये बना सकते थे? अरब मुल्कों की तरह रहा होता। अरब ममालिक को आपने देखा होगा, इतनी सी छोटी जगह में 65 ममालिक हैं। 65 ममालिक, वहाँ मौजूद एक देश भी एक गांव इतना होगा, 2 लाख की आबादी। कुवैत को एक देश बताते हैं। ये कुवैत कितना बड़ा देश है? मद्रास इतना वसी होगा? नहीं होगा। इसे कुवैत देश कहते हैं, अबूधाबी देश कहते हैं, दुबई भी देश कहलाता है। हर एक आप गौर से देखें तो एक जिला या गांव इतना ही होगा। पता चला कि उन्होंने उनका बेल्ट नहीं बनाया, ये हिंदुस्तान भी कैसा रहा होता? ये एक देश, वेलूर एक देश, कांजीपुरम एक देश, ताम्बरम एक देश। वीजा पासपोर्ट लेकर ही जाना पड़ता था। ताम्बरम जाना होता तो क्या करना होता? पासपोर्ट वीजा लेकर ही इस मीटिंग के लिए आपको आना पड़ता। बताइए, ऐसा ही होता भी कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो इसकी वजह क्या है? हम मुसलमानों से मुतालिक इस देश के हुक्मरान को जान लेना चाहिए कि उन्होंने कुछ आसान काम नहीं किया है। मुसलमान जब इस देश पर हुकूमत कर रहे थे, आज जो हमसे हो नहीं सकता, 5% को मिलाने के लिए वजीफे अता करना पड़ा। इंदिरा गांधी के दौरे सल्तनत में ही बादशाहों के वजीफों को रद्द करने का मसौदा लाया गया, वजीफों को खत्म किया गया। नेहरू के दौर से दिया जाने वाला वजीफा इंदिरा गांधी के दौर में ही खत्म किया गया। इसी वजह से कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए। ये सारी तारीख आपको मालूम होगी। इससे पहले तक भी तो पैसा देकर कुछ सूबों को हिंदुस्तान में उन्होंने मिलाया था न के?
इस तरह से रुपया या दौलत किसी तरह से खर्च किए बिना एक मुस्तहकिम देश की शक्ल मिलाकर मुसलमान बादशाहों के सिवा किसी और ने नहीं किया। पहली बात यह हो, इस देश को हमने ही बनाया है, इस पर हमारा यकीन कायम हो। हमें चाहिए कि हमारी इस तारीख को दूसरों तक पहुंचाएं पूरी तरह। इस देश को बनाने वाले अगर हम ही थे तो क्या हमारा इस हैसियत से ज्यादा हक नहीं बनता? कम से कम दूसरों के हकूक के बराबर तो हमारे हकूक होने चाहिए कि नहीं? तो क्यों हमारे हकूक से महरूम करते हो? अगर हम ना हो तो आज ये वजीर आजम कैसे बन जाते? अगर हम ना होते तो वजीर आला कैसे बन जाते? अगर हम ना होते तो बड़े अफसरों में आप कैसे शुमार होते? हमने इस देश को बनाया है इस हैसियत से। मुसलमान कहलाने वाले हमको दूसरों के बनिस्बत ज्यादा हकूक मिलने चाहिए। खैर, दूसरों के जो हकूक मिले हैं उनके मसावी भी हमें क्यों नहीं मिले? गौर करने की बात है। गौर कीजिए, हमने सिर्फ बनाए नहीं, बनाने के बाद उन्हें मुंतजिम करके मजबूत किसने किया? हमारे ही बाप दादा की मेहनत थी। मुसलमानों की हुकूमत कायम होने से पहले तक इस देश में ना किसी किस्म का अदल इंसाफ मौजूद था, किसी किस्म का सिस्टम था, ना किसी किस्म के जवाबित थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का आलम था। कुछ इस किस्म की तर्ज हुकूमत ही इस देश के टुकड़ों में जारी व सारी थी। हमारे हाथों में सल्तनत आने के बाद ही मुसलमान बादशाह जो उस मुल्क पर हुकूमत किया करते थे वो कैसे सल्तनत चलाते थे। एक मुंजिम निजाम हुकूमत वहाँ दिल्ली में बैठकर मद्रास की बराबर निगरानी हुआ करती थी। अपने नुमाइंदों को मुकर्रर करके उनके मातहत निगरान अफसरों को बिठाकर कंट्रोल करते हुए एक निजाम सल्तनत कायम किया गया। ये पूरा निजाम बनाने वाले मुसलमान बादशाह थे। सिक्के जो रुपयों के नोट वगैरह है चमड़े पर छापा लगाकर उसे जारी करने वाले कौन थे? मुसलमान ही थे। आज जो जमीनात दिखाई देते हैं उनकी ऐसी तकसीम कि आज का कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर जो काम नहीं कर सकता, ये सारे काम हमारे मुसलमान बादशाहों ने करके दिखाया। यहाँ एक जगह है, ये किसकी जगह है जानने के लिए आप खोद कर देखिए, नीचे पत्थर मिलेगा। वो पत्थर बता देगा कि ये जगह किसकी, किसका नंबर है, सर्वे किया गया, ये तमाम तफसील मिल जाएगी। सर्वे के तरीके को जारी करके देश को नाप दिया था। आज आबादी का हिसाब लगाने के लिए लंबे चौड़े